हाय गाइस, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा। तो लास्ट टाइम आपने वोट्स के थ्रू मुझे बताया था कि आपको वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी देखनी है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रेजी फॉर हेल्थ के स्टाइल में बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी वाइट सॉस पास्ता विदाउट मैदा। तो इस पास्ता में मैंने मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है बिल्कुल कैफे स्टाइल में। तो इस पास्ता में 3 बेसिक स्टेप्स है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको वो तीनों स्टेप्स बिल्कुल क्लियरली समझाऊं ताकि आपका पास्ता परफेक्ट बने। तो चलिए देख लेते हैं इस इजी से रेसिपी को। तो पहला स्टेप है पास्ता को बॉईल करना। यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल कर लिया है और ये मेरे पास है मैक्रोनी पास्ता, तो मैं इसके 2 कप बॉईल कर रही हूँ। जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना हम लेंगे, बाकी रख देंगे। इसमें हल्का सा तेल डालना है और नमक डालना है ताकि पास्ता स्टिक नहीं हो एक दूसरे से, और नमक से पास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको स्टर करके हम इसको 15 मिनट तक लगभग बॉईल करेंगे, या फिर आप जो भी वैरायटी का पास्ता ले रहे हो जब तक कि वो बॉईल नहीं हो जाता उसको बॉईल करना है। मैंने यहाँ पे ड्यूरम वीट सेमलीना पास्ता यूज़ किया है जो बॉईल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप नॉर्मल पास्ता यूज़ कर रहे हैं या कोई भी शेप का यूज़ कर रहे हैं तो उसको चेक ज़रूर कर लीजिए 10 मिनट के बाद। और पास्ता कुक होने का सबसे अच्छा निशान ये है कि आप उसको अगर चाकू से काटेंगे तो वो बिल्कुल एफर्टलेसली कट जाएगा। ये देखिए, परफेक्ट पास्ता बॉईल हो चुका है। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है अच्छे से, और इसको अच्छे से छानने के बाद इसमें हम बिल्कुल हल्का सा ऑयल से ब्रश कर देंगे ताकि पास्ता एक दूसरे से चिपक ना जाए। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने एक स्पैचुला में हल्का सा ऑयल लगा दिया है और उसी से मैं पास्ता को एक बार चला दूँगी ताकि वो स्टिक नहीं हो। नेक्स्ट स्टेप है वेजिटेबल्स को सौते करना। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑलिव ऑयल लिया है और यहाँ पे मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें चॉप्ड गार्लिक। अब इसमें मैं डालूँगी चॉप किए हुए प्याज, और प्याज को भी मैं अच्छे से सौते कर लूँगी। इन सब्जियों को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। तो प्याज अभी हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी बेल पेपर्स। मेरे घर में रेड एंड येलो बेल पेपर्स अवेलेबल थे इसलिए मैंने उसको ऐड किया है। अगर आपके पास ग्रीन कैप्सिकम हो आप सिर्फ ग्रीन से भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें कैरेट्स और बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स को हम क्रिस्प ही रखेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। तो ये मैंने फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको पहले बॉईल करना पड़ेगा। तो वेजिटेबल्स मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया है और ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से कुक होने चाहिए। थर्ड स्टेप पे आते हैं वाइट सॉस बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अमूल का लाइट मक्खन जिसमें लेस कैलोरीज होते हैं, जो लेस लो फैट मिल्क से बना होता है। उसमें हम ऐड करेंगे अब गेहूं का आटा। तो मैंने आज मैदा के जगह पे गेहूं का आटा यूज़ किया है। आप चाहे तो मैदा में भी ये बना सकते हैं। इसको हम अच्छे से चला लेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम में हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि आटा बिल्कुल अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाता और उसमें से हल्का एरोमेटिक फ्लेवर्स भी नहीं समझ में आने लगता। और इसको देखिए, इस तरीके से लगातार आप चलाते रहिए तो इसमें हल्की हल्की खुशबू सी आने लग जाएगी और 2 से 3 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका फाइनल स्टेज है जिससे पता चल रहा है कि हमारा आटा जो है बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब जो मेन स्टेप है वो है दूध ऐड करना। तो आप एक हाथ से दूध ऐड करें और एक हाथ से लगातार इस सॉस को चलाते रहें, वरना इस सॉस में बहुत जल्दी लम्प्स बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक हाथ में विस्क रखा है जिससे मैं लगातार इसको चला रही हूँ और एक हाथ से मैं दूध डाल रही हूँ। तो इस सॉस को लगातार चलाते रहिए ताकि कोई भी लम्प्स नहीं रह जाए, और आपको जितना सॉस बनाना हो आप उतना बना सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे 2 से 3 कप दूध यूज़ होते हैं।
और ये देखिए हमारा सॉस बिल्कुल परफेक्टली बन गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स फॉर्म नहीं हुए हैं। तो दूध जो आप लें, अगर आप पॉसिबल है तो वार्म मिल्क यूज़ करें। अगर आप ठंडा दूध डालेंगे तो ठंडा दूध में आपके लम्स बहुत आसानी से पड़ जाएंगे। इस सॉस को अब हम कुक होने देंगे जब तक कि वो थिक नहीं हो जाता। इसमें हम डालेंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सॉस जो है 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत थिक हो जाएगा। ये देखिए सॉस बहुत ही थिक होना स्टार्ट भी हो चुका है। और सॉस को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप इस तरीके से एक स्पैचुला में एक सॉस की लेयर लगा के देखिए, और अगर आप उसको हाथ से चेक करेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। तो सॉस बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे रोस्टेड वेजिटेबल्स और इसको अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पास्ता जो हमने बॉईल कर लिया था। आप इस रेसिपी को कोई भी पास्ता के साथ या कोई भी वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। इसमें हल्का सा दूध और डालेंगे ताकि ये जो सॉस है और भी क्रीमी हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिक्स्ड हर्ब्स, आप चाहें तो ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। और इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। तो मैंने ये चिली फ्लेक्स घर पे बनाया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इसको अच्छे से एक बार चला लेंगे और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी क्रीमी पास्ता बन के रेडी है। इसमें लास्ट जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो है चीज़। तो चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज सिर्फ 1 क्यूब चीज़ डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें 2-3 चीज़ क्यूब्स, आपको जितने भी पसंद हो आप उतने डाल सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से चला देंगे, और चलाने के बाद इसको गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी वाइट सॉस पास्ता विदाउट मैदा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए, और अगर आप कोई स्पेसिफ़िक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं हर वो रेसिपी लेके आऊँगी जो आप व्यूअर्स को पसंद होगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, और मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।